फ्रेंड्स, आज से जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर का, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि किसी ज़माने में जब IITs स्क्रीनिंग और उसके बाद में मेंस हुआ करती थी, जैसे आजकल मेंस और एडवांस होती है, पहले स्क्रीनिंग और मेंस हुआ करती थी। किसी समय में सिर्फ 15 क्वेश्चन आते थे टोटल, 11 12th मिला के 15। और उस 15 क्वेश्चन में से जो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन कर लेता था वो IIT सेलेक्ट हो जाता था, जो 8 कर लेता था उसको IIT मुंबई मिल जाता था। ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी। द क्वेश्चंस वर वेरी टफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ऑब्जेक्टिव हो गई एग्जामिनेशन, उस समय सब्जेक्टिव हुआ करती थी। आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते थे और आपको उसको सॉल्व करके कॉपी में आने पड़ते थे। वो न्यूमेरिकल जो है उसके सॉल्यूशन दो दो पेजेस तक चलते थे। उस जमाने में जब ये सब होता था तब 2 साल का फिजिक्स, उसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं, अब आप कल्पना करिए, फिजिक्स 11th के पहले दिन से 12th के आखिरी दिन तक जितने फिजिक्स के टॉपिक्स होंगे, इसमें टोटल जितने टॉपिक्स हैं उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन 15 में से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के आते थे। मतलब अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी करके चले जाते थे अच्छी तरीके से, तो आपके IIT सिलेक्ट होने के चांसेस 90% हुआ करते थे। ये जो मैं आपको सिर्फ अभी 10th के पर्सपेक्टिव से या NTC के पर्सपेक्टिव से, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा आपको 10th और NTSC रखूँ, लेकिन आप इसको इस पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि अगर आपने 10th में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा पढ़ लिया तो आप लोगों को 12th में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। चाहे वो ओम्स लॉ हो, चाहे वो सीरीज पैरेलल हो, चाहे वो किरशॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ हो जो आपके कोर्स में नहीं है बेसिकली, व्हीटस्टोन ब्रिज हो, सुपर पोजिशन थ्योरम जो फिर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये 10th के लेवल पे आराम से किया जा सकता है, ऐसा मेरा हमेशा से मानना रहा और मैं ऐसा ही पढ़ाते आया। जिस तरीके से मैं आपको अभी 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा वो आप अपने बुक में खोजने ज़्यादा मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बुक के परे होगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर दोस्तों जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ी देर के लिए किसी दिन किसी मेटल के पीस में झांक के देखिए साहब, और आप जानते हैं कि किसी मेटल की खासियत ये होती है कि द एटम्स आर वेरी क्लोजली, यू नो, दे आर वेरी क्लोजली बाउंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आपको शायद पता होगा एटम्स बहुत क्लोजली बाउंड होते हैं किसी मेटल, हाँ बहुत पास पास एटम्स हैं दोस्तों। अगर ऐसा है और ये थोड़ी देर के लिए ऐसे ही किसी मेटल का पीस आप देख रहे हैं, जैसे अभी अभी हमने सोडियम को देखा, तो आपको याद है दोस्तों वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था जिसको आप उस एटम का हिस्सा मान रहे थे, इवन रूम टेम्परेचर में बी सफिशियंट फॉर दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन टू गेट डिटेच फ्रॉम द एटम। तुम्हारे और मेरे लिए 25 डिग्री कोई बड़ा टेम्परेचर नहीं है, बट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बड़ी चीज है साहब। तो सच अ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, फॉर दैट इवन योर रूम टेम्परेचर इज मोर देन सफिशियंट फॉर एन एटम लाइक दिस, जिसके अंदर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो इफ इट विल गेट एनर्जी फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स। ये मेटल पीस अभी आपने रखा हुआ है, इस पंखे को देखिए साहब, इस फ्रेम को देखिए जो ऊपर लगी हुई है, ये सारे मेटल पीस जिस रूम टेम्परेचर पर अभी आपको दिख रहे हैं वो रूम टेम्परेचर उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कभी कभी सक्षम है। और जब वो निकल गए दोस्तों तो ये फाइनल इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये अब एटम का हिस्सा नहीं रहे, बोलो यार। और ये जो बचे हैं ये अब एटम कहां रहे, ये तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो गए हैं दोस्तों। ये कुछ उन शैतान बच्चों के जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जो अपने घर से तो बाहर हैं लेकिन कॉलोनी के अंदर हैं, क्योंकि ये अभी आप ध्यान देखिए कि मेटल के वॉल्यूम के बाहर नहीं निकले, ये अपने एटम से बाहर निकले। इज इट, कोई आपसे पूछे कि द टोटल चार्ज हेंस ऑन अ मेटल पीस विल बी, बोलना जीरो, क्यों? तो बोलना भैया वो तो चार्ज तो तक होते ही रहेगा, ये प्लस ये एक माइनस। yes, समझ गए ना बात को? और अगर ऐसा है दोस्तों तो कैन यू अंडरस्टैंड दैट द रूम टेम्परेचर इज सफिशियंट फॉर दीज टाइनी इलेक्ट्रॉन्स टू मूव हैब्सर्डली इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज। दे आर नॉट इन अ पोजिशन माई फ्रेंड, दे कैन नॉट डेयर टू बी स्टेग्नेंट, वो एक जगह पे रुकने के लिए आदि हो ही नहीं सकते साहब, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो इस टेम्पर इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन निकले ये जबरदस्त रूप से इधर उधर घूमेंगे हैब्सर्डली। ड्यूरिंग दिस ऑफ देयर मोशन दे विल कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड विद द मेटल आयंस, वो अपने बंधुओं से भी सिर फुटवल करेंगे साथ में, और साथ साथ जिन आयनों में से निकले होंगे कभी ना कभी उन आयनों से भी टक्करें होती रहेंगी। समझ रहे हैं दोस्तों आप इस बात को? और जब ऐसा चलता रहेगा दोस्तों इस पूरे सीन को, तो इसी को तो दोस्तों आइंस्टीन ने एक बार कह दिया था कि ऐसा लगेगा जैसे किसी मेटल के अंदर, ये ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे किसी मेटल के अंदर ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इज इट डन? तो दोस्तों जब इफ इफ द क्वांटिटी इज वेरी लार्ज, और ये क्वांटिटी कितनी होती है कोई अगर आपसे पूछना चाहे, तो पहले हम ये जान लें
कि ये जो शैतान बच्चे दौड़ लगा रहे हैं अपने घरों, अपनी कॉलोनी में है ना, मेटल के बाहर निकल गए क्या? तो ये जो शैतान बच्चे निकले हैं, इनको हमारी किताबों ने लिखना शुरू कर दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ने में कभी आया है क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन? कि अगर आप एक 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वॉल्यूम ले लो, 1 क्यूबिक मीटर आप में से सबको पता ही है, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक टीवी का डब्बा, कार्टन जिसको आप लोग कहते हो, तो 1 क्यूबिक मीटर का अगर आप एक कार्टन ले लो तो उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आपको ये पता करना हो तो थोड़ा सा गणित किसी का थोड़ा ठीक होना जरूरी है। अब इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, 50,000 करोड़, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब आप करते हो। कहने का मतलब शॉर्ट में ये है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम इज इमेंस, इतना ज्यादा। और जब इतना ज्यादा होगा दोस्तों तो आपको फिर वो इलेक्ट्रॉनों का महासागर अंदर तैरता हुआ दिखेगा जिन्हें आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी कल्पना करें साहब, ऐसे किसी मेटल पीस को आपने एनर्जी दी, हीट किया, गर्म करो। जैसे ही गर्म करोगे दोस्तों, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स अभी मेटल वॉल्यूम के बाहर नहीं निकले हैं साहब, क्योंकि दे आर स्टिल बाउंड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अब एनर्जी आपने इस मेटल पीस को गर्म करना शुरू कर दिया। अब आप जब इसको गर्म करना शुरू करोगे दोस्तों, सो इवेंचुअली द थिंग दैट विल हैपन इज दैट फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल डिपार्ट, आया ना? और अब जब इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पहले मेटल के पास मान लो, एक उदाहरण कह रहा हूं, इस पीस के पास में 100 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, कौन से 100 थे, फ्री इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना था इस मेटल वॉल्यूम के ऊपर, जीरो, बोलो यार, सौ में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया गर्म किया तो। अब इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, +1, समझ गए? और जिसने, जिसको मिला उसके ऊपर कितना हो गया, -1। ठीक है, तो अब या तो आप हीट कर लो या आप फ्रिक्शन से कर लो। आपने अगर मान लीजिए इस मेटल पीस को रगड़ा किसी दूसरी चीज से, सो व्हेन यू आर रबिंग समथिंग अगेंस्ट द अनदर, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज प्रोवाइडिंग द थर्मल एनर्जी इन अ सेंस, बिकॉज़ फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट। इज इट डन? सो व्हेन यू रब समथिंग, वो जो हीट प्रोड्यूस हुई उससे फिर इलेक्ट्रॉन्स बाहर, यानी होगा तो वही आ जाके। नहीं साहब, हम तो हीट भी यूज नहीं करना चाहते हैं, लाइट डाल दो, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो वेन यू एक्सपोज इट टू लाइट एनर्जी, तो लाइट मतलब क्या है दोस्तों, इट्स अ फोटॉन्स कमिंग थ्रू, आपके हजारों करोड़ों बिलियंस ऑफ फोटॉन्स उसके ऊपर गिर रहे हैं, फोटॉन्स आर बंडल्स ऑफ एनर्जी, फोटॉन्स असली में बंडल्स ऑफ एनर्जी है, फोटॉन उसके ऊपर गिरे, इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी प्राप्त करी, एंड इफ दैट एनर्जी फॉर दैट इलेक्ट्रॉन इज सफिशियंट टू जंप आउट ऑफ द मेटल पीस, मैं आपको अभी आयोनाइजेशन एनर्जी के फंडे में नहीं डालना चाह रहा हूं वो सारे, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन की के लिए उतनी एनर्जी पर्याप्त है, वो बाहर कुछ जाएगा उस मेटल के हिसाब से, बोलो यार। देखिए दोस्तों, पहले चार्ज क्या होता है, अब जब मैं स्टूडेंट्स को ये पूछता हूँ जब जनरली कि चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, तो बोलता है पॉजिटिव चार्ज, तब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज, एंड इफ समथिंग इज डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड निगेटिवली चार्ज बॉडी, तो ये तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की डिफरेंस, चार्ज क्या होता है? तो दोस्तों चार्ज क्या, आप एक बात समझ लीजिए, तो चार्ज इज दैट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स, उसके कारण ही उसका इलेक्ट्रिकल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, या तो वो पैदा करती है या वो एक्सपीरियंस करती है। मास पैदा करता है, हाँ है ना, ये मास है इस चौक में, तो क्या ये चौक अभी इस पंखे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो इसने खींचा है, जब ये बोलोगे तो इसने प्रोड्यूस किया वो इफेक्ट, लेकिन जुपिटर भी तो इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है। चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इच इट ईदर प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के सामने जा रहे हो, उनमें भी रिपल्शन होगा, उनमें भी अट्रैक्शन होगा। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि चार्ज, प्लीज प्लीज प्लीज, वेद मंत्र हूना वंदे वंदे मातरम, 24 घंटे एक दिन के रहते हैं।
12वीं में जाके आईआईटी वाईआईटी की कौन तैयारी करे, मूर्ख करा करते हैं। हम अभी से उस जिद को लेके चलें कि हमको तो एक एक चीज याद करनी है, समझनी है। दोस्तों ये बेसिक डेफिनेशन चार्ज की है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो कोर्स है उसमें आपको दो तरीके के चार्जेस आप जानते हो, एक को कहा गया पॉजिटिव चार्ज और एक को कहा गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपके कोर्स में जो है दोस्तों वो मूलतः सिर्फ एक्सटेंडेड बॉडीज पे है। देखिए आपको पॉइंट चार्जेस पे, अदरवाइज पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन अगर हम ये देंगे कि इफ अ बॉडी इज डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। एक बॉडी के पास अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं गलत क्यों, ऐसा क्यों? फिर प्रोटॉन के पास क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है? अरे तुम्हारा ना समझते है का मैं काय बोलते है? बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड लिए अपने अंदर ले लिए कहीं से तो वो नेगेटिव चार्ज हो गई है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज का मतलब आप अपने दिल में रख लो दोस्तों, बुराई, बुरे लोग, इलेक्ट्रॉन बुरे लोग, उनके अंदर एक गुण है यानी दुर्गुण है, कौन सा? बुराई। आपके अंदर कहीं से चार बुरे लोग आ गए, अभी तक आप न्यूट्रल थे, अब आप बुरे कहलाओगे क्योंकि आप में जो आया वो अपने साथ एक गुण लेके आया है, बुराई नाम का। हाँ या ना? और अगर ऐसा है दोस्तों तो मैं आपको ये समझा रहा हूं सिर्फ कि दोस्तों आपने जो अभी पढ़ा कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, कि आप जो बोलते हो कि अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इफ इट इज डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज बॉडी इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस डेफिनेशन होल्ड्स ट्रू फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स नॉट फॉर पॉइंट पार्टिकल्स। बिकॉज इफ द डेफिनेशन होल्ड्स ट्रू, क्या प्रोटॉन इसीलिए पॉजिटिव है? अच्छा आपकी डेफिनेशन पॉजिटिव चार्ज की क्या है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हो यानी जो डिवाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो फिर क्या प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन किसी ने निकाले हैं क्या खींच के, इसीलिए पॉजिटिव हुआ है क्या? नो, इट्स अ फंडामेंटल पॉजिटिव पार्टिकल। हाँ या ना? तो जब आप फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हो तब ये डेफिनेशन नहीं, आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो तब ये डेफिनेशन सच है। इस पर्स का अगर ये पर्स पॉजिटिवली चार्ज है तो सीना ठोक के कह दो क्या ये डिवाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए गए। समझ गए बात को? पक्का समझ गए? बस ये याद रखना। दूसरी बात, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी में है दोस्तों, जो अगली चीज आपको पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है ये आप जानते हो, इसलिए मैं इसको एक्सटेंड नहीं करूंगा। पहली प्रॉपर्टी आप जानते हो दोस्तों, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मैं लिख नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरी, हाँ चलो एक बोलो कोई भी, जस्ट रेज योर। अरे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हुआ, क्या हाई कोर्ट में केस कर दूंगा क्या, गलत हो गया तो? सेकंड क्या है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस एडिटिव है साहब। अब एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, बड़ा आसान है दोस्तों। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने +5 कूलम चार्ज दिया, कैसे दिया वो हम आगे पढ़ेंगे, कंडक्शन और इंडक्शन। कुछ नहीं, पॉजिटिव चार्ज दिया, इसका मतलब इसके अंदर से क्या निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले गए होंगे, कुछ नहीं, या तो हीट कर दो या रब कर दो या लाइट फेंक दो, कुछ भी हो सकता है। वी हैव जस्ट प्रोवाइडेड इट विद एनर्जी सो दैट वी वांट टू यू नो फेच सम इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ इट, इज इट डन? तो दोस्तों अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और अब किसी ने इसको -3 कूलम का चार्ज दे दिया, तो +5 -3, अब टोटल चार्ज बॉडी पे कितना हो जाएगा, +2। इज इट डन? इसे कहते हैं चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, यू कैन एड चार्जेस एज नंबर्स। कोई ये ऐसा दे दे आपको एनटीसी में क्वेश्चन पूछ दे, क्या बॉडी ये +5 कूलम चार्ज की है, उसके ऊपर ये -3 दे दे, फिर यहां से एक बता दिया जाए +1 कूलम, फिर यहां से और दे दिया जाए इधर -4 कूलम, बताओ बॉडी का क्या होगा? तो कुछ क्या करना है, नंबर जैसे जोड़ घटाओ करना है, 5 ये -3 ये -4। अरे हाँ या ना? लेकिन ध्यान रखना इधर या उधर, यू कैन जस्ट एड चार्जेस लाइक नंबर्स, आप चार्जेस को बिल्कुल प्योर नंबर जैसा एड कर सकते हो, समझ गए? लेकिन ध्यान से देखो, जो -4 बाहर जा रहा है वो आप एड नहीं कर रहे हो, वो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अरे हाँ या ना? तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना, जो आ रहे हैं उनको वैसा का वैसा, जैसे अरे +5 पहले से था, ये -3 जुड़ रहा है, अंदर आ रहा है ना बॉडी में,
तो ये तो जैसे है वैसे लिखना है। क्या ऐसे लिखू बच्चों से तुम्हारे लिए कि +5 +-3 ऐसा ऐसा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। प्लस अंदर आ रहा है ना, ठीक है, फिर ये +1 ये बाहर जा रहे हैं तो -1 अपने आप हो जाएंगे। अब समझ गया मैं क्या कह रहा हूं, उस तरीके से करना है अपने को और क्या करना है। लेकिन दोस्तों चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। अगली प्रॉपर्टी जो आपको थी दोस्तों वो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड। मैं आपको ये थोड़ा इसीलिए जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आप पीछे की क्लासेस में बेसिक पढ़ चुके हो। पहली प्रॉपर्टी सिमिलर चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और इसी से वो क्वेश्चन बनता है दोस्तों जो आपके 10th बोर्ड में कई बार पूछ चुके हैं लेकिन हम बाद में देख लेंगे। रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्ज, आप जानते हो। वैसे तो आप जानते हो कि रिपल्शन श्योरेस्ट टेस्ट क्यों है, क्योंकि अट्रैक्शन के बारे में कहा नहीं जा सकता क्योंकि चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करने की ताकत रखती है। लेकिन अगर आपको देखिए मैं आपको एक चीज पूछता हूं, ये दो बॉडीज हैं, दोनों आपने कहा ये चार्ज्ड है, आप समझ रहे हो श्योरेस्ट टेस्ट क्यों है। ये चार्ज्ड है कि अनचार्ज्ड है, मान लो आपको दोनों नहीं पता। मैंने ऐसा रखा ये पास में आया तो इसका मतलब ये दोनों या तो चार्ज्ड है लेकिन अपोजिट है, ये पॉजिटिव या निगेटिव, तभी तो अट्रैक्शन हुआ होगा। और एक और केस भी तो है, एक चार्ज्ड हो और दूसरी अनचार्ज्ड हो, क्योंकि चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है। हाँ या ना। लेकिन अब अगर मैंने आपको ये दोनों बॉडीज को रखा हो, ये दोनों एक दूसरे को दूर जा रही हो, तो ये दोनों क्या है, अपोजिटली चार्ज है, सॉरी सिमिलर चार्ज है, और या तो फिर कुछ नहीं, सिमिलर चार्ज नहीं है, ये दूर जा रही है, तो दुनिया में एक केस हो सकता है कि ये दोनों चार्ज है और एक जैसी चार्ज है। लेकिन पास आ रही हो तो दो केसेस हो जाते हैं, या तो दोनों अपोजिट चार्ज है या एक चार्ज और दूसरी अनचार्ज हो सकती है, क्योंकि अट्रैक्शन चार्ज और अनचार्ज बॉडी में भी होगा। हाँ या ना। अब आपको दोस्तों जो अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे वो तो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अब इसका मतलब समझ लीजिए एक बार, पहली सिमिलर चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, दूसरी चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, तीसरी चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। दोस्तों इसका मतलब थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि चलिए ये एक एक्सटेंडेड बॉडी, ये एक बॉडी है, इसमें से आपको चार्ज निकालना है। What is the minimum charge that you can fetch? Now, first you need understand one thing, and I guess you know, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है, अच्छा इसमें से अगर इसको अगर आपको पॉजिटिव चार्ज करना है इस बॉडी को, तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने। सबसे कम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 1। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, याद रखना दोस्तों, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू फेच्ड इज 1, बट द चार्ज ऑन द बॉडी इज नॉट 1। या आप जो है ना वो +1 लिखने का वो तरीका, वो उसको आप गलती से कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक प्रॉपर्टी लिए है जिस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज, उस प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है, नेगेटिव। कितना नेगेटिव, तो वो दोस्तों आप जानते हो उसके ऊपर जो चार्ज है वो है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये आपको पता है ना, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जानते हो चार्ज कूलम के नाम पर ये दिया गया है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो जो चार्ज बाहर आया, अच्छा आदमी आया बाहर या बुरा बुरा आया, बुरा, तो कितना बुरा, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतनी बुराई बाहर आई। इंसान कितने बाहर आए, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको, पार्टिकल एक बाहर आता है लेकिन जो चार्ज बाहर आता है वो होता है -1.6 × 10⁻¹⁹। इज इट डन। अगर ऐसा है तो क्या आप एक बात समझ पाते हो दोस्तों, अगर आपको इससे ज्यादा, मैं इस पूरे इसको, ये जो आपको -1.6 × 10⁻¹⁹ ये बुराई है, कितनी बुराई है, तो इतनी बुराई है, ये बुरा ये दिखाता है और इतना ये। अगर ऐसा है दोस्तों तो मैं इस पूरे को थोड़ी देर के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ को मैं ई दे देता हूं नाम, तो ये जो मैंने बाहर आया ये माइनस ई आया ना। If I say that E is this number, मैं हमेशा बार बार बोलता रहूं, इसकी जगह मैंने 1.6 × 10⁻¹⁹ इस number को E बोलना शुरू किया, तो जो बाहर charge आया है वो minus E आया है ना, -1.6 × 10⁻¹⁹, बोलो ना यार। तो फिर इस body पर कितना charge आ जाएगा, +E,
कोई कहेगा कैसे पता पड़ा सर कि इसके ऊपर प्लस ये, कुछ नहीं बड़ा आसान, जब ये बाहर नहीं कूदा था तो बॉडी पर चार्ज कितना था? जीरो। बोलो ना यार, तो फिर अगर ये वापस कूद गया अंदर तो फिर प्लस ही माइनस ही, तभी तो जीरो होगा। समझ गए? अब एक बात बताओ, दिस इज द मिनिमम चार्ज दैट यू कैन टेक आउट ऑफ अ बॉडी, वन इलेक्ट्रॉन। आप सबसे कम चार्ज कितना किसी बॉडी पे से निकाल सकते हो? -1.6 × 10⁻¹⁹। कब निकलेगा उतना चार्ज? जब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? अब आपको इससे ज्यादा चार्ज करना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे? दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो चार्ज कितना बाहर आएगा? एक, एक के ऊपर कितना है? माइनस ई, तो दो पे कितना हो जाएगा? -2e, तो इस बॉडी पे कितना हो जाएगा? आपने 10,000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए तो -1000e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना रखता है? -e। बुराई कितनी? 1.6 × 10⁻¹⁹ बुराई। तो 1000 पे इतना, तो फिर इस बॉडी पे कितना हो जाएगा? हाँ या ना? यानी दोस्तों एक बात समझ में आ गई कि दुनिया में किसी भी बॉडी को जो चार्ज मिल सकता है वो या तो ई होगा या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब आपने इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, व्हेन यू फेज्ड आउट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉडी, जस्ट रिकॉल दैट मूवमेंट, एंड व्हेन यू विल रिकॉल दैट मूवमेंट दोस्तों, ये सीन कुछ ऐसा हुआ करता था कि ये माइनस ई और बॉडी पे चार्ज प्लस ई। मैं बॉडी पे चार्ज की बात कर रहा हूं अभी। हाँ, तो किसी भी बॉडी को जो मिनिमम आप चार्ज कर सकते हो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है। अब पॉजिटिव या निगेटिव, क्यों ये जरूरी थोड़ी कि हम निकाले, हम डाल भी तो सकते थे। अगर किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन डालते बुरा आया अंदर, यानी माइनस, कितना माइनस? 1.6 × 10⁻¹⁹, यानी बॉडी पे चार्ज फिर कितना होता? माइनस ही। लेकिन अभी हम प्लस की बात, अभी हम निकालने की बात कर लेते हैं ताकि एक हमको एक केस समझ में आ जाएगा तो बाकी दूसरा तो आराम समझ में आ जाएगा। तो मिनिमम चार्ज ई। अच्छा, इससे ज्यादा कितना चार्ज कर सकते हो बॉडी को? क्यों 1.5 ही? नहीं, क्यों? क्योंकि एक के बाद में कितना इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे? दो। तो जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो बाहर चार्ज कितना आया? एक इलेक्ट्रॉन लेके आया माइनस ई, दूसरा एक और कूद गया बाहर माइनस ई, मतलब टोटल कितना चार्ज बाहर आ गया? तो फिर बॉडी पे कितना चार्ज हो गया? मतलब इससे ज्यादा जो चार्ज करा जा सकता है वो 2e, उससे ज्यादा 3e, उससे ज्यादा 4e, 1000e, 1,00,000e, मतलब इन जनरल q इक्वल टू n into e। बोलो ना यार। और यही माइनस में भी करा जा सकता है। किसी बॉडी को मिनिमम निगेटिव करना है, अब की बार हमारा उद्देश्य बदल गया, द मोटिव इज इंटायरली चेंज, नाउ वी वांट टू मेक अ बॉडी नेगेटिवली चार्ज। ये बिचारी न्यूट्रल बॉडी बैठी थी, अब आपको इसको निगेटिव चार्ज करना है, क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। हाँ या ना? बाहर से इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। सबसे कम कितने इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं? वन। तो जब इलेक्ट्रॉन कितने पूछू तो उत्तर क्या देना? वन। चार्ज कितना पूछू तो बोलना माइनस ही। जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर आया दोस्तों एक, तो ये बॉडी के ऊपर कितना चार्ज हो गया? क्योंकि एक अंदर आ गया। समझ रहे दोस्तों? बाहर कहीं यूनिवर्स में प्लस ही चार्ज जनरेट हुआ होगा। हाँ, किसी ने तो इलेक्ट्रॉन दिया है, वो अपन उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो मिनिमम चार्ज निगेटिव कितना हो सकता है किसी बॉडी पे? माइनस ही। दो इलेक्ट्रॉन घुस गए तो -2e। वैसे आखिरी में क्या आ जाएगा आपके पास? क्यू इक्वल टू -n × e। बोलो ना यार। तो दोनों को मिला के दोस्तों एक जनरल प्रिंसिपल बन सकता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्यू इक्वल्स ±n × e। हाँ या ना? नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल एज चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड हमेशा तब इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों एनी क्वांटिटी कैन एग्जिस्ट ईदर इन द स्मॉलेस्ट और द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में कोई चीज मिले तो। दुनिया में सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। हाँ या ना? तो या तो फिर 1 × e, 2 × e, 3 × e, 4 × e। मान लो अभी अपना मधुरम स्वीट्स दिवाली आ रही है, अब अपने मधुरम स्वीट्स कर लिया, क्या क्या है दिवाली के, लोग देखोगे दिवाली के दिन भयानक भीड़ रहती मिठाई की दुकानों पर, टाइम ही नहीं रहता आपसे बात करने का बाहर, वो सब वो टेंट वेंट लगाते हैं ये ना। अब उस समय मान लो कोई छोटा बच्चा उनके पहुंच जाए और उनको बोले कि बहुत भीड़ में और वो बिल्कुल कैसे, तो उसका नंबर आया, बोले भैया 2 रुपए के पेड़े दे दो, तो मधुरम वाले गुस्सा आएगा ना,
क्योंकि इतने बड़े मेरा बिजनेस का टाइम है, लोग 10-10 किलो 15-15 25-25 किलो मिठाइयाँ लेके जा रहे हैं कंपनीज के लिए, ऑफिसेज के लिए, घरों के लिए, वो 2 रुपए के पेड़ बनवा रहा है मेरे से उस टाइम में। तो मधुरम वाले ने इस चीज से सीख लेके क्या किया, अगले साल अपने दुकान के बाहर लिख दिया और पॉलिसी बना दी कि मेरी दुकान पे जब भी मिठाई मिलेगी तो 2 किलो के डब्बे में ही मिलेगी, यानी द मिनिमम स्वीट दैट यू कैन बोरो फ्रॉम माई शॉप इज 2 kg। इज इट डन? तो कोई आया और उसने कहा भैया 1 किलो मिठाई दे दो, तो मधुरम वाले क्या कहेंगे, सॉरी सर द मिनिमम अवेलेबल इज 2 kg, क्योंकि पैकेट 2 kg के ही बनते हैं हमारे यहाँ। फिर कोई आया, अच्छा 3 kg दे, सॉरी सर इधर 2 और 4, पैकेट ही 2 kg के ना हमारे यहाँ। तो वो कहेगा कि या तो 2 kg का एक डब्बा ले जाओ या 2 kg के 2 डब्बे ले जाओ। कोई बोलेगा अच्छा 1000 किलो मिल जाएगी क्या, अरे वो तो 1 लाख किलो भी मिल जाएगी। 1000 किलो चाहिए कोई तकलीफ नहीं है, 500 डब्बे ले जाइए। क्या आपने एक बात ध्यान दी दोस्तों, मिठाई क्वांटाइज हो चुकी है। द मिठाई दैट यू कैन सेल नाउ इज क्वांटाइज, व्हाई? बिकॉज इट्स ईदर ऑकरिंग इन द मिनिमम 2 kg और द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दोस 2 kg। 7.5 किलो मिठाई पॉसिबल है क्या आप? नहीं। तो क्या आप ये कहना चाहते हो, अगर आप में से कोई पूछे कि अच्छा अच्छा सर क्वांटाइज का मतलब इंटीजर, नहीं, क्यों भैया, कल को अगर मधुरम वाले की जगह वो उनके पास वाले अग्रवाल स्वीट्स वाले ये तय कर लेंगे कि हम भी तुम्हारी देखा देखी करेंगे, लेकिन उन्होंने डब्बे निकाले 1.5 kg के, अब बोलो, अब ये भी तो क्वांटाइज हो सकता है ना। अब कोई आके बोले 3 kg मिल जाएगी, आधा किलो नहीं होने मिलेगा, 4.5 मिल जाएगा ना, 3 डब्बे ले जाओ। क्वांटाइज का मतलब इंटीजर या डेसिमल में कोई चीज होना नहीं, इंटीजर मल्टीपल में होना, उस मिनिमम का। मिनिमम ये है तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल, हाँ इसका इंटीग्रल मल्टीपल लगेगा, 1 2 3, 2 डब्बे लोगे तो 3 kg। समझ गए बात को? चार्ज क्वांटाइज्ड है साहब, क्योंकि दुनिया में किसी भी बॉडी पे चार्ज या तो मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल 2e 3e 4e 1 lakh e। इसे हमने कहना सीखा चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड इन नेचर। डन। 1 कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को मेहनत करनी पड़ती है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट अ चार्ज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम? स्टैंडर्ड प्रोसीजर पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी नो द एक्सप्रेशन क्यू इक्वल्स एन इनटू ई। चार्ज कितना पूछ रहा है वो, 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे पता नहीं, वही तो निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, तो एन आएगा दोस्तों 1/1.6 × 10⁻¹⁹, कितना आता है ये नियरली 6.25 × 10⁻¹⁹। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं दोस्तों, तब जाके तो चार्ज 1 कूलम्ब आता है किसी बॉडी के ऊपर। खैर दोस्तों, अभी तो हमने जितना पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज, हम फिर एक बार दोहरा ले दोस्तों, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। हाँ या ना? चार्जेस 2 तरीके के होते, पॉजिटिव और नेगेटिव। और आप जानते हो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहना शुरू किया था, तब उसको नहीं पता था, उसने कहा 2 तरीके के होते हैं, तो सुबह शाम ब्लैक व्हाइट, वैसे उसने पॉजिटिव नेगेटिव नाम उसने दिया था। हाँ या ना? 2 तरीके के चार्जेस होते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों आपने और मैंने ये पढ़ा कि चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी सिमिलर चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, दूसरी पढ़ी चार्जेस आर एडिटिव इन नंबर नेचर, तीसरी पढ़ी चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज, हमेशा क्वांटाइज होते हैं। अब आप अगली चीज देखिए दोस्तों, हाउ कैन वी चार्ज एन एक्सटेंडेड बॉडी, जो आपको पता है शायद, लेकिन हम देख लें दोस्तों। पहला तरीका तो आप पढ़ चुके हो, हाउ टू चार्ज दिस बॉडी फुल ऑफ एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट, टेक इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ इट और फिल इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट। आया ना? इस तरीके की चार्जिंग को हमने कहना शुरू किया चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसी को हमने कहा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो आपने लिखा है क्या चार्जिंग बाय कंडक्शन इंडक्शन? तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, क्योंकि आपको नोट्स मिली गए होंगे उसमें ही सब। देखिए दोस्तों, चार्जिंग बाय कंडक्शन, दुनिया में किसी एक्सटेंडेड बॉडी को चार्ज करने के 2 तरीके, कंडक्शन और इंडक्शन। कंडक्शन के बारे में अगर आप पूछें कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप इसे तो देख चुके हो अभी हम पहले, लेकिन हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी, दैट मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय इन विच देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अदर। ऐसा चार्जिंग करना जिसमें कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए फ्रॉम द बॉडी, उसे कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या आपने याद दोस्तों आपको, अभी अगर आप इसको गर्म करोगे, आप इसको रब करोगे, आप इसको लाइट डालोगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे।
और इसमें से निकले, मतलब ब्रह्मांड में किसी दूसरी चीज को मिले, चाहे वो एयर मॉलिक्यूल क्यों ना हो। हाँ या ना? यानी दोस्तों, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इन विच देर इज अ कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, व्हाट वी कॉल इट एज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। और इंडक्शन, अच्छा अब ये देख लो जरा, ये बॉडी जो है ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज कर दी हमने। कोई कहेगा कैसे करी, कैसे भी कर सकते हैं, आपको तो अब तीन तरीके पता है, और भी तरीके हो सकते हैं। ये बॉडी हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दी, कैसे करी, कुछ नहीं, सब हीट करा होगा, रब किया होगा, पता नहीं, या लाइट डाली होगी, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ चुके हैं। दिस बॉडी इज डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर चार्ज q इक्वल टू एन इंटू ई है, 40 इलेक्ट्रॉन निकले, कितना चार्ज है, 40 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हाँ या ना? ठीक। लेकिन आपने जैसे इसको एक इस अनचार्ज बॉडी के सामने रखा दोस्तों, कैन यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस बॉडी अगेन इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग हैप्जार्डली इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल ऑफ, बोलो ना यार। तो थोड़ा सा मैं इधर बना देता हूं, मैं सिंबॉलिकली बना रहा हूं, अदरवाइज बहुत ज्यादा बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर। हां, मैं सिर्फ सिंबॉलिकली आपको कुछ बना के दिखा रहा हूं दोस्तों। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो हुए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये दे ऑल विल फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू दैट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और ये इसके कारण ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल माइग्रेट, विल ड्रिफ्ट, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक हल्का सा ड्रिफ्ट शुरू हो जाएगा इस पॉजिटिव। अभी तक ये सारे इलेक्ट्रॉनों के चलने के लिए कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं थी साहब, इनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, बस हीट ने इनको इनको बोराया हुआ था। हाँ या ना? दे गॉट एक्साइटेड एंड स्टार्टेड मूविंग हैप्जार्डली, लेकिन अब इनको सामने एक पॉजिटिव बॉडी जैसे आप रखोगे, तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होकर इधर आ जाएंगे एंड विल, तो यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है ये बढ़ जाएगी ना दोस्तों। ये मिठाई है, मक्खियां सारी इस कोने में आ गई हैं। हाँ या ना? तो दोस्तों ये जो पार्ट है इस बॉडी का, ये अब न्यूट्रल नहीं रहेगा। पहले आप इस बॉडी का कोई सा भी पार्ट देखते वो न्यूट्रल होता, क्योंकि कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते और उतने तकरीबन इलेक्ट्रॉन मिल जाते, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो एक जैसे ही रहता। इसमें से अगर आप इसे कोई सा भी निकालते तो कुछ पॉजिटिव आयन्स होते, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, तो प्लस माइनस जीरो हो जाता। लेकिन अब आप सोचो ना, अब इधर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो ये एरिया पॉजिटिव हो गया ना, ये वॉल्यूम पॉजिटिव हुआ है, तो दोस्तों ये नेगेटिव। लेकिन ये सब गए किधर से हैं, इस वॉल्यूम में से। हाँ या ना? तो फिर ये वाला एरिया रिलेटिवली पॉजिटिव हो गया। आप समझ गए क्या? पक्का? तो कैन यू सी दैट दिस पोर्शन बिकेम नेगेटिवली चार्ज एंड दिस अ रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज। इस बॉडी को ध्यान से देखो दोस्तों, इज देयर एनी कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ दिस फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस बॉडी टू अदर बॉडी? देयर इज जस्ट अ शिफ्टिंग ऑफ चार्ज टुक प्लेस। इसी क्लास में गर्ल्स इधर बैठ गई हैं, बॉयज इधर बैठ गए हैं, पहले ऐसा नहीं था, अब गर्ल्स इधर बॉयज इधर। लेकिन क्या ये अच्छा, आपको समझ में आया क्या? लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, पहली बार बार आदत डालो दोहराने की, व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग बाय कंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इन विच देयर इज अ complete transference of electrons from one body to other. हाँ है ना? Induction, method of charging a body in which there is a shift of charging take place. हाँ है ना? Shifting of charge, सिर्फ charge shift हो गया, negative इधर आ गए, positive इधर आ गए, complete transference from one body to other हुआ है क्या? नहीं। अब दोस्तों आप मजा देखिए, अंतर इनके बीच में, difference between bodies charged by conduction and bodies charged by induction. क्योंकि आपको notes मिल गए होंगे इसलिए मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं। पहला, तो कोई पूछे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन में पहला डिफरेंस क्या है, तो बोलना में पहला डिफरेंस वही है, गधा है और ये घोड़ा है। अरे हाँ या ना? मतलब पहला क्या दे मारना, डेफिनेशन। दूसरा डिफरेंस दूसरे से स्टार्ट करना है ना, पहला तो आपको पता है डेफिनेशन खुद ही अंतर है। दूसरा, कंडक्शन में लिखना, इन अ बॉडी चार्ज बाय कंडक्शन देर इज अ नेट चार्ज ऑन अ बॉडी। इसके ऊपर नेट चार्ज है साहब, इसमें लिखना व्हेन अ बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन द नेट चार्ज इन द बॉडी इज ऑलवेज जीरो। अरे बॉडी पे टोटल चार्ज तो अभी भी जीरो है कि नहीं? है या नहीं? तीसरा डिफरेंस बोलना, अ बॉडी चार्ज बाय कंडक्शन ईदर लूजेस और गेन्स द वेट एज कंपेयर टू द ओरिजिनल बॉडी। अरे इलेक्ट्रॉन निकले हैं या ग्रहण किए हैं, तो कुछ तो वेट बदलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मासिव पार्टिकल्स। Although the mass is very small, 9.1 10 to the minus 31 kg, बहुत कम है, है तो सही,
तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसका वजन पहले वाली जो ओरिजिनल रॉड थी न्यूट्रल रॉड उससे कम हुआ है, और ग्रहण किया तो ज्यादा हो गया। लेकिन इसको देखो, द मास रिमेंस अनअल्टर्ड, इसमें मास का परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉन उसी बॉडी में ही तो है अभी भी। फिर आपको अगला डिफरेंस कोई पूछे तो अगला डिफरेंस बोलना कि व्हेन यू वांट टू चार्ज अ बॉडी बाय कंडक्शन यू डोंट रिक्वायर एनी बॉडी विच इज चार्ज बाय इंडक्शन। इफ यू वांट टू चार्ज अ बॉडी बाय कंडक्शन डू यू रिक्वायर एनी बॉडी लाइक दिस टू चार्ज बाय ऑलरेडी चार्ज बाय इंडक्शन? नो। अरे रॉड लो गर्म करो और क्या करना है, रब करना है। लेकिन अगर आपको ऐसी बॉडी चाहिए, इफ यू वांट अ बॉडी चार्ज बाय इंडक्शन यू एटलीस्ट रिक्वायर वन बॉडी विच इज चार्ज बाय कंडक्शन। कोई बोलेगा नहीं नहीं सर उसके बगैर भी हो जाएगा, कैसे? तो बोलेगा सर एक काम करते हैं, इधर निगेटिव चाहिए अपने को तो एक बॉडी ऐसी, ये देखो सर, ये देखो सर, अब ये क्या इसको जैसे इसके सामने रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, निगेटिव या पॉजिटिव? अबे तो ये क्या किराने की दुकान में मिलती है? अरे हाँ या ना? लेकिन अगर आपने एक कंडक्शन की बॉडी हो गई दोस्तों आपके पास में, तो उसके बाद में तो आप कितनी भी बॉडीज बैक टू बैक रखते जाओ, अभी इस पॉजिटिव के कारण इधर इलेक्ट, बोलो ना यार प्लीज साहब, दोहराने की आदत डालो। और अगर आप वन पे अपने जिंदगी जीते हो तो जिद करने की आदत डालो कि अपने दिमाग को फोर्स करो कि वो याद रखे साहब। मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इन विच देर इज अ कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इन विच देर इज अ शिफ्टिंग ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस ओनली इज कॉल्ड इंडक्शन, कंडक्शन वेट चेंजेस वेट रिमेन अनअल्टर्ड, बोलो ना यार वेट अनअल्टर्ड रहता है, इसमें नेट चार्ज इज ऑलवेज नेट, देर इज ऑलवेज अ नेट चार्ज ऑन द बॉडी, नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज जीरो। You require one body which is charged by conduction to charge a body which is charged by induction. But you don't require any such body when you want to charge a body by conduction. Is it done? पर्याप्त। अब हम अपने मूल मुद्दे पे आते हैं, काम की बात पे आ जाते हैं साहब, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पर करंट समझाएं कैसे साहब, हम वाटर का फ्लो कैसे समझाएं जब हम ऊंचाई और गहराई को ना समझा पाए? वो जरूरी है, ऊंचाई और गहराई, डिफरेंस इन एल्टीट्यूड जिसके कारण पानी बहता है, डिफरेंस इन प्रेशर जिसके कारण किसी गुब्बारे के अंदर गैस बाहर आ जाती है जैसे उसमें छेद करो तो पहले ये समझते हैं साहब कि करंट क्या होता है और वो बहता क्यों है, ये समझना है तो आदर्श रूप से आइडियली इट शुड नॉट बी द एनसीईआरटी वे इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ द वे। हमने अभी तक चार्ज पढ़ा, अब हमें जो अगली चीज पढ़नी चाहिए साहब वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? नहीं, उसके भी पहले आप कर सकते हैं चाहे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बड़ी आसान है साहब, बड़ी आसान। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? तो उसको पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहा जाता था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नथिंग बट द लोकस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप सबके पास लिखा हुआ है क्या ये? अरे आप लिख लो विपिन सर के नोट्स के लिए, मैं आपको मेरा मेल खोल के दिखाऊंगा, सुबह से लेकर अब तक 21 मेल है भारत से। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी फिलहाल लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डेफिनेशन लिखिए, इट इज द लोकस ऑफ। पहले जो डेफिनेशन चलती थी वो लिखा रहा हूं, उसके बाद में अभी जो आजकल चलने लग गई वो भी बताऊंगा। इट इज द लोकस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फुल स्टॉप। लिखा दोस्तों, अब जो चल रही है वो भी लिखा देता हूं। और यानी अब देखिए यार, वो तो डिपेंड करता है आप, अब जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पहले कहा करते थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब दूसरी लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स टेंजेंट टू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स टेंजेंट टू विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, tangent to which determines the direction of electric field. लिखा पहले, अब आप थोड़ी देर के लिए पेन कॉपी में रख दो, कॉपी बंद कर दो, अब बोर्ड की तरफ देखो। देखिए दोस्तों, पहली डेफिनेशन के हिसाब से ही समझाऊंगा मैं अभी पूरा। it is the locus of unit positive charge, ये लिखा है ना अपन ने, पॉजिटिव प्लस यूनिट वन। तो प्लस वन चार्ज जहां शुरू कर दे जाना उसके रास्ते को कहते हैं लोकस। ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए, ये आपका एक प्लस वन, अब ये आपका कोई चार्ज है, मान लीजिए मैं इसको क्यू चार्ज लिख रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लोक, इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है, कैसी दिखेंगी, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी प्लस 1000 कूलम, प्लस 0.5 कूलम, आई डोंट नो।
आपकी डेफिनेशन क्या है, लोकस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस वन कूलम को बुलवाओ, ससम्मान बुलवाओ, विथ रिस्पेक्ट बुलवाओ, वहां पे बिठवाओ और बोलो अब छोड़ दो, यहां पे लाके छोड़ दो, ये जिस रास्ते पे जाएगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे आप यहां पे प्लस वन कूलम रखोगे दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो जाएगा और क्या होगा, तो ये उल्टा निकल जाएगा उधर, यहां पे रखोगे तो क्या होगा, ये इधर निकल जाएगा, यहां पे रखोगे तो ये इधर निकल जाएगा, यहां पे रखोगे इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, यहां पे रखूंगा अगर प्लस वन उधर निकल जाएगा, यहां पे रखूंगा इधर निकल जाएगा। क्या आप देख सकते हो दोस्तों दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। आपने अगर शिव जी को एक फल चढ़ाते हैं वो धतूरे का अगर देखा होगा तो इलेक्ट्रिकली आउट रेडियली आउटवर्ड। हाँ या ना? कोई आपसे कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज होता तो कैसी होती, कुछ नहीं है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, भैया ये भले ही नेगेटिव हो, ये कौन, ये किसको, किसका लोकस है, प्लस वन चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या है, इट इज द लोकस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई बोलेगा कि सर प्लस वन कूलम चार्ज की का ही लोकस क्यों है, इसीलिए क्योंकि हमने तय किया है। वन मीटर इतना ही क्यों होता है सर, क्योंकि हमने डिसाइड किया है, इतना भी हो सकता था। ये डेफिनेशन हमने बनाई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफाइंड एज द लोकस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इज इट डन। तो दोस्तों आप माइनस क्यू मतलब आपका नेगेटिव चार्ज है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस निकाल रही हो, तो रखना किसको है, प्लस वन को, समझ गए। अब प्लस वन रखोगे तो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, अंदर आ जाओ बेटा, समझ गए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। आपको एनटीएससी में कितनी बार पूछा जा चुका है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, रेडियली आउटवर्ड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, रेडियली इनवर्ड।